अपर मुख्य सचिव स्थापना और औद्योगिक विकास तथा जिले के नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने सोमवार को जिला अस्पताल और महिला जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। महिला अस्पताल में आने के बाद सबसे पहले अपर मुख्य सचिव ने SIC नीना त्रिपाठी और CDO इंद्रजीत सिंह के साथ बैठक की। बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल के लेबर रूम, OT रूम, SNCU का निरीक्षण किया। इस बीच SNCU के बगल में कमरों में ताला लगे होने की वजह पूछा तो CMS नीना त्रिपाठी ने बताया कि नवजात शिशुओं की माताओं के लिए इस रूम को खोलने की व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं प्राइवेट रूम का ₹102 चार्ज सुनने पर अपर मुख्य सचिव ने SIC को सुझाव दिया कि शासन को इसके लिए पत्र भेजे ताकि यह शुल्क फ्री किया जाए। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिला महिला अस्पताल के पानी की टंकी में हड्डी मिलने से हड़कंप मचा था। इस बाबत जब अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। वहीं अक्सर जिला महिला अस्पताल के लेबर रूम में अवैध रूप से धन उगाही का मामला सामने आता है। इस बाबत उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी गलत तरीके से धन की मांग करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर मुख्य सचिव अवस्थापना और औद्योगिक विकास व जिले के नोडल अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा, मोबाइल की वो नोडल अधिकारी के रूप में आज ये विजिट रखी हुई थी नोडल अधिकारी के रूप में, तो यहाँ पे आकर के अब डिलीवरीज की संख्या लगातार बढ़ रही है और सुविधाएं भी यहाँ पे सभी उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन प्लांट एक शुरुआत करने के लिए उसकी ऑक्सीजन की टेस्टिंग की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो बाकी और कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। तो मैंने ये कहा है कि उसके बगल में ही कुछ प्राइवेट वार्ड्स अवेलेबल हैं जो बंद हैं, अगर वो उनकी माताएं जिनके बच्चे SNCU में हैं वो अगर बगल में ही उनके लिए व्यवस्था हो जाएगी रुकने की तो वो बच्चों की देखभाल भी बेहतर हो सकेगी और वो माताओं को भी सुविधा होगी। तो वो मैंने इनको कहा है कि उनको खुलवा करके वहाँ पर माताओं को व्यवस्थित करा दें। बाकी लोगों को खाना पीना भी ठीक मिल रहा है, लोगों से बातचीत हुई, मेरी एडमिटेड जो हैं माताएँ तो वो संतुष्ट दिखाई पड़ी कि उनको उनकी केयर जो है वो ठीक ठाक हो रही है, दवाएं वगैरह भी मिल रही हैं, भोजन भी मिल रहा है। अब वो मेरी जानकारी में नहीं है, अगर ऐसा है तो आपने उसी कुछ दिन सॉर्ट आउट हो गया था, इसकी आज्ञा मैंने DM साहब को, ऐसा नहीं होनी चाहिए। अगर ये शिकायत इस तरह की है तो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ आप सुनिश्चित करें कि कठोर कार्रवाई। मेरे सामने अभी किसी ने कोई शिकायत नहीं करी, लेकिन अगर है तो CMS साहब को हम हिदायत कर दे रहे हैं कि उसमें जरा सख्ती करें। CDO साहब भी हैं, उन्होंने भी नोट किया है। थैंक यू।